हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है जहां सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल से 2 नवंबर को ईडी पूछताछ करेगी। नई शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बुलाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमसे जुड़ चुकी है। स्वाति, सीएम केजरीवाल को 2 नवंबर के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और 2 नवंबर को पेश होने के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कहा है और बुलाया है समन भेजकर। अब जो समन ईडी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है वो दिल्ली की जो नई शराब नीति है उस मामले में भेजा गया है समन। इससे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, आज ही उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस वक्त मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में ही जेल में है। संजय सिंह की बात करें जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी जेल में है, शराब नीति मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और सीबीआई से अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ किया है और अब ईडी ने समन भेजा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और 2 नवंबर को पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कहा है। जी धन्यवाद स्वाति तमाम जानकारियों के लिए।